हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल मिठाई। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 2 कप मैदा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैदा छानने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप घी। आप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मैदे में अच्छे से कोने कोने तक घी पहुंच जाए और एक मॉइस्ट फ्लावर हमारा बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद हम थोड़े गुनगुने पानी से इस आटे को गूंथेंगे और एक टाइट सॉफ्ट डोसा बनाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे गूंथना है, थोड़ा इसको टाइट और थोड़ा सॉफ्ट रखना है और इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 20 मिनट पर रेस्ट तब तक होता है तब तक हम इसके लिए बाकी चीज़ों को तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा घी, उसके अंदर मैंने 1/2 कप लिया है मिल्क और 1 कप हम यहाँ पर लेंगे मिल्क पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हम इसको पकाएंगे तब तक ये पैन से अलग ना हो जाए। जब तक ये पैन से अलग होगा तब तक इसको कुक करते रहेंगे और एक हमारा मावा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम और सूखा नारियल, मतलब ग्रेट करके मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, कुछ तिल, चिरौंजी। आप यहाँ पर अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे ताकि टेस्ट और बढ़े और 1/2 कप हम इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी चाशनी बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और 1 कप पानी। हमें एक तार वाली चाशनी ज़रूरी नहीं है, हमें थोड़ी चिपचिपी वाली चाशनी चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने जो मैदा को डो बनाया था उसकी छोटी छोटी दो लोइयाँ बना दी हैं, उसको बेल कर इसके अंदर फिलिंग भर के आपस में कुछ इस तरह चिपका देंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमाएंगे और हमारा एक बहुत सुंदर से डिज़ाइन के साथ हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको मीडियम तेल हमारा गर्म होना चाहिए और हम इसको फ्राई करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छे से फ्राई होने देंगे, आँच को तेज नहीं रखना, लो और मीडियम आँच ही रखनी है। और उसके बाद हम इसको चाशनी में डाल देंगे और उसको 1 मिनट तक के लिए छोड़ेंगे, अलट पलट कर हम इसको निकाल देंगे। और इसमें मैंने चांदी का फर्क लगाया है जो कि मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये थी हमारी आज की होली स्पेशल रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।